इस समय उल्लू टीवी पर स्क्रीन के सामने है माधव कृष्ण त्रिपाठी, सदस्य राष्ट्रीय कार्य समिति बिहार झारखंड, सह प्रदेश प्रभारी भाजपा किसान मोर्चा। सर बस आपके सामने दो प्रश्न लाना चाहता हूँ, कहिए तुम पूछू नहीं तो मैं चला जाऊँ। पूछे ये बताइए सर, अभी केशव मौर्य जी आजमगढ़ में आए थे दारा सिंह चौहान के यहाँ, और अभी पता चला कि योगी जी भी आने वाले हैं। देश के पैसे की इस तरह की बर्बादी, क्या अगर इस राष्ट्र में मर्द हैं तो इस तरह की पैसे की बर्बादी होनी चाहिए या विरोध होना चाहिए? ऐसे नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए? नहीं, पैसे की बर्बादी नहीं है, किसी के घर दुख प्रकट करने जाना पैसे की बर्बादी थोड़ी है। एक आम आदमी की नहीं आ सकते तो दारा सिंह चौहान क्या क्यों आएंगे भाई, क्यों आएंगे? हमारी पार्टी के अपने निचले स्तर के कार्यकर्ता के हम जाते हैं, दारा चौहान नहीं जाते हैं। जनता बताइए। चलिए दूसरी चीज, जब मोदी ताऊ या अमित शाह बोलते हैं या मुलायम सिंह यादव मायावती जी जब बोलती हैं तो किसी की बोलने की औकात नहीं होती है, उसके बाद भी इस देश में लोग कहते हैं कि लोकतंत्र है। क्या ऐसा लोकतंत्र होता है? अगर ऐसा लोकतंत्र होता है तो फिर प्रजातंत्र क्या होता है, राजशाही क्या होती है? कहीं ऐसा कुछ नहीं है, सारे लोग हमारे मोदी जी ललकारते रहते हैं पूरे विश्व में। मैं उल्लू टीवी से राजीव आजमगढ़ से, लोकतंत्र के भगवान को कुत्ता बनाने वालों, लोकतंत्र के भगवान को कुत्ता बना दिया आपने, और कुत्ता इसी लायक है, अपना जवाब जरूर लिखिएगा, कैसा लगा जरूर बताइएगा। प्रोग्राम के इस भाग के प्रायोजक थे फुन इजुसा डायमंड ज्वेलरी पुरानी कोतवाली आजमगढ़, धन्यवाद।